हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीबीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 776.72 अंक की बढ़त पाकर 26 अप्रैल 2022 को सेंसेक्स हमारा 57,356.16 अंक पर बंद हुआ है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो वो 17,200.80 पर बंद हुआ है, 246.85 की बढ़त पाकर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर यूएस डॉलर की, तो 76,551 तो पर है। और अगर बात करें हम यूरो की, तो वो 82.0103 पर है। पाउंड की बात करें तो यहाँ 97.5380 पर है। और अगर 100 जापानी येन की बात करें तो यहाँ पर वो 59.880 है। मित्रों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो यहाँ पर सोना 5,233 का 1 ग्राम हो गया है, और सिल्वर वहाँ पर 70.30 की 1 ग्राम हो गई है। अब बात कर लेते हैं गूगल फाइनेंस की, तो मित्रों यहाँ पर ड्रॉप जोन 809.28 अंक नीचे, लगभग 2.38% नीचे हो गया है। और इसके बाद में नैसडेक की बात करें तो वह 514 अंक नीचे है। और अगर एसपी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 120 अंक नीचे, रसेल मार्केट भी 63 अंक नीचे, और बीएक्स मार्केट वहाँ पर 6.50 ऊपर है, जिसका मतलब 24% ऊपर है बीएक्स मार्केट। जापान का भी करेंसी का नीचे है, और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जा रही है थोड़ी सी। चलिए क्रिप्टो की बात करते हैं, यहाँ पर बिटकॉइन, ओ भैया ये सारी जो कॉइन है सब ऊपर भाग रहे हैं। अभी देखिए हमारी मार्केट नीचे जाती है ना, तो ये ऊपर भागते हैं, देख लेना आप। हमेशा मैंने इसको बात को नोटिस किया है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर क्या रखना है, आपको नज़र किस पर रखनी है। KIPT टेक्नोलॉजीज और IEX, STL, वेदांता, इनके रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखिए। और गौतम अदानी यहाँ पर हेलीकॉम जो ग्रुप है उसका, सीमेंट का, तो उसको खरीदने की बात कर रहे हैं। और LIC का IPO आ चुका है, जो कि 4 मई से लेकर 9 मई तक चलेगा। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात है क्या हमारे लिए, देखिए यहाँ पर और भी हमारे लिए एक बात और है। टाटा मोटर यहाँ पर ने यहाँ पर ई बस जो गवर्नमेंट टेंडर है वह 5,000 करोड़ रुपये का निकाला है। और इसके बाद में चलो मित्रों अब देख लेते हैं हम लोग हमारे लिए स्टॉक्स न्यूज़ क्या है। तो टाटा इलेक्स ने यहाँ पर एक अत्याधुनिक परिसर केरल में ओपन किया है, जिसमें LED प्रमाणित हरित भवन है। और इसमें क्या कहते हैं, देखिए आप 9 मंजिल शामिल है, जो कि EV कनेक्टेड कार, OTG, 5G डिजिटल वगैरह सारी आधुनिक प्रयोगशालाएँ प्रदान करती हैं। इसमें 2,000 से अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियर बैठने की जिनमें सुविधा है। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या कंपनी है साहब, इसका नाम है जिंदल होटल। ने यहाँ पर देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एकदम बेकार परफॉर्मेंस किया है, और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है मान लीजिए। और अगर 9 मंथ के डाटा की कहें तो यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त इनको मिली है। अब मित्रों हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम है BST इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया है मुझे लग रहा है, लेकिन टोटल इनकम 5% नीचे है, नेट प्रॉफिट 5% ऊपर है, और EPS इनका 5% ऊपर है। और ईयर ऑन की बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकम 7% है, नेट प्रॉफिट 19% है, और EPS इनका 19% है। और 9 मंथ के डाटा की बात करें तो 6% है, नेट इनकम 3% है, और EPS इनका 3% है। और बात करें रेट की, तो रेट क्या चल रहा है भैया, 3228 रुपये का शेयर है एक। इसके बाद में यहाँ पर मित्रों बात करते हैं UTI एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने यहाँ पर 21 रुपये का डिविडेंड दिया है। और इसके बाद में हम बात करते हैं IIFL सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया है वह क्वार्टर और क्वार्टर 78,495 करोड़ रुपए का किया है। अब चलो देख लेते हैं थोड़ा सा बात तरीका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेकार, ईयर ऑन ईयर 41.2 और EPS इनका 5, चलो बढ़िया है। और अगर 9 मंथ के डाटा देखते हैं तो टोटल इनकम 51% और ये नेट प्रॉफिट है इनकी 38% और EPS इनका 43%। रेट क्या चल रहा है, 101 रुपये। शेयर तो सस्ता है लेकिन यार बैंड बाजी पड़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेल्को की, तो नेल्को ने यहाँ पर 1.8 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और इसके बाद में निप्पॉन लाइफ इंडिया ने यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस किया है साहब, तो चलो इनका तो पॉजिटिव है थोड़ा सा, और यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा प्रोग्रेस है। रेट क्या चल रहा है, 1535, वाई वाह। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं डी लिंक ने यहाँ पर 3 रुपये का डिविडेंड देने का अनाउंस किया है। डी लिंक आपको पता है यह कंपनी RJ45 कनेक्टर वगैरह नेटवर्क की जितने बार सामान होते हैं उनको बनाती है। रेट क्या चला है, 147 रुपये। बढ़िया कंपनी है वैसे, इसका
प्रोग्रेस तो होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी अच्छी है उस हिसाब से इसका प्रोग्रेस अच्छा नहीं है। ये इस मेलबोर्न ने यहाँ पर रिकमेंड किया है 1x1 का बोनस शिशु कर दिया है साहब। और इसके बाद में यहाँ पर मित्रों हम देख लेते हैं, जेके एग्री ने यहाँ पर 1.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और मित्रों यहाँ पर टाटा कॉपी ने भी 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और आदित्य बिरला सन लाइफ ने यहाँ पर AMC ने डिविडेंड दिया है 5.85 रुपये का। और इसके बाद मित्रों यहाँ पर बजाज फाइनेंस ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया है। और मित्रों यहाँ पर यूनाइटेड टेड बेवरेज ने यहाँ पर 10.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। और मित्रों यहाँ पर महिंद्रा लॉजिस्ट ने यहाँ पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। और मित्रों यहाँ पर VST इंडस्ट्रीज ने 140 रुपये का डिविडेंड दिया है। भाई बढ़िया है भाई, कितना रेट चल रहा है, 3228 दे सकती है। इसके बाद मित्रों यहाँ पर हम UTI मैनेजमेंट का अगर देखते हैं तो ये बता रहे हैं कि इनका घाटा हुआ है इसमें। हाँ जी, एकदम पिटे हुए रिजल्ट आए भैया। इसके बाद में नैलको ने यहाँ पर 3.30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। दैट मीन्स गुड नैलको। अरे टोटल इनकम 0, नेट प्रॉफिट माइनस, फिर ये क्या है, 11% टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर किया है इसने। चलो मुझे तो अच्छा लगा नहीं है खास। इसके बाद मित्रों यहाँ पर विप्रो टू एक्वायर राइजिंग टू क्रिएट एन SAP कंसल्टिंग पावर हाउस। और इसके बाद में मित्रों यहाँ पर डी लिंक ने यहाँ पर पैट क्लाइम किया है 11 करोड़ रुपए का। तो देख लेते हैं, चरा देखिए, 14% टोटल इनकम में फायदा हुआ है, नेट प्रॉफिट में 23% हुआ है, EPS में 24% हुआ है। ये उनकी बात करें तो 27% टोटल इनकम है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 18 और EPS इनका 18। तो इसके तो रिजल्ट मुझे अच्छे लगे भाई, छोटी कंपनी है, छोटा रेट है। 26% तो टोटल इनकम है, नेट प्रॉफिट में 34% है और EPS इनका 34% है। तो इसको नोट कर लो भैया डीलिंग को। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं सम डिस्टरीज एंड वेबरीज ने यहाँ पर 6.39 करोड़ रुपए पा लिए हैं। देखो साहब, 75% टोटल इनकम में हुआ है और 666% नेट प्रॉफिट हुआ है और EPS में 670% बढ़ा है। और ईयर इन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 39% टोटल इनकम है, 72% इनका नेट प्रॉफिट है और 73% इनका हुआ है। और रेट चल रहा है साहब इनका 656 रुपये। चलो नोट कर लो इसको भी, आज कंपनी का नाम है सम डिस्टिलरीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जेके एग्री ने यहाँ पर 4.3 करोड़ रुपये का प्रॉफिट किया है। तो देखिए टोटल इनकम 26 का है और नेट प्रॉफिट 156% बढ़ा है और EPS इनका 160% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये टोटल इनकम 68% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इनका 198% बढ़ा है और EPS इनका 198% बढ़ा है। 9 मंथ के डाटा की बात करें तो वहाँ पर देखिए थोड़ी सी EPS में मायूसी है और सारा कुछ बढ़िया है। अगर रेट की बात करें तो 782 रुपये का रेट चल रहा है और कंपनी का नाम है जेके एग्री। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड बेवरेज पोस्ट सर्च टू द कंसोलिट फोर 133.40 का इनको फ़ायदा हुआ है साहब यूनाइटेड बेवरीज को। चलिए इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए टोटल इनकम में 4.50% का इजाफा हुआ है, नेट प्रॉफिट में यहाँ पर 79.98 का इजाफा हुआ है और EPS में इनका 80.17% का इजाफा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल इनकम 1.32% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट इनका 68.21% बढ़ा है और EPS इनका 68.39% बढ़ा है। इसके बाद मित्रों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 9 मंथ के डाटा की, तो इनकम प्रोग्रेस है और यहाँ पर रेट चल रहा है इनका 1534 रुपये। कंपनी का नाम है यूनाइटेड बेवरेज। इसके बाद में हम मित्रों यहाँ पर बात कर लेते हैं, ब्लैक बॉक्स ने यहाँ पर 17 मई को रिकॉर्ड डेट कर दी है स्टॉक स्प्लिट की। तो भैया रेट क्या चल रहा है, 783 चल रहा है, ब्लैक बॉक्स कंपनी का नाम है। इसके बाद में यहाँ पर माइक्रोटेक डेवलपर ने भी ये अच्छी प्रोग्रेस करी है। देखिए यहाँ पर इन्होंने टोटल इनकम में 63% का इजाफा है, नेट प्रॉफिट 27% का है और EPS में इनका 80% का प्रोग्रेस हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी 34% का टोटल इनकम है और नेट प्रॉफिट 72 और EPS है इनका 41%। और भैया 9 मंथ के डाटा में 65% है, नेट प्रॉफिट में 2893% है और EPS में इनका 2449
99% प्रोग्रेस हुआ है, रेट चल रहा है साहब 1012। कंपनी का नाम नोट किया जाए, लोधा डेवलपर। आज बहुत अच्छे चांस हैं, अगर मार्केट तो वैसे पिटेगी लेकिन हो सकता है इसमें आगे ग्रोथ मिले। अब इसके बाद में हम निप्पल लाइफ की बात करें तो यहाँ 7.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। और अगर हम बात करें लासा की तो लासा ने यहाँ पर न्यू ऑर्डर मिला है उनको 500 मिलियन रुपये का। इसके बाद में यहाँ पर हम ई स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पर देखिए साहब ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर 11% का इन्होंने लिया नेट प्रॉफिट और 14% का EPS इनका 14% का है। और हम बात करते हैं अगर ईयर ऑन ईयर की तो यहाँ पर 28% का है टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट यहाँ 104% है, EPS इनका 100% है। ये गलती से मैं यहाँ ईयर ऑन ईयर कहता था, ये क्वार्टर एंड क्वार्टर सॉरी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये अगर NPS की बात करें यहाँ पर हम तो क्वार्टर 4 21 22 22 तो देखिए यहाँ पर हम NPA की बात करें तो 4% 2% 1.98% घटा है, दैट मीन्स गुड NPA घटे हैं तो कंपनी बढ़िया चल रही है। देखो यहाँ भी इनकी नेट जो NPA वो घटा है, ROA की तो देखो मित्रों यहाँ पर ये भी स्टेबल बना हुआ है पीछे से अब तक। तो कुल मिला के इस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं ई स्मॉल बैंक के। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पर 1.70 रुपये का डिविडेंड दिया है और कंपनी के इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। टाटा कॉपी ने यहाँ पर 40 करोड़ रुपये कमाए हैं तो रिजल्ट देख लीजिए आप। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग HDFC लाइफ इंश्योरेंस का अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो 24% मित्रों टोटल इनकम में प्रोग्रेस हुआ, नेट इनकम में इनका नेट प्रॉफिट में इनका यहाँ पर 83% ऊपर गया और EPS इनका 81% ऊपर गया है। टोटल इनकम 8% नीचे है, नेट प्रॉफिट 58% ऊपर है, EPS इनका 56% ऊपर है। अगर हम बात करें 9 मंथ के डाटा की तो वो रेड रेड हो रहा है। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर सेफलर इंडिया ने यहाँ पर 207 करोड़ रुपये का प्रोग्रेस किया है तो मित्रों यहाँ पर कुल आय में 2.75% का इजाफा है और शुद्ध लाभ में 8.64 का इजाफा है, EPS में 9.00 का इजाफा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्किल 21 और 22 की तो यहाँ पर देखिए 18% का इजाफा है और शुद्ध लाभ में यहाँ 48% है और 49% इनका इसमें इजाफा हुआ है। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं महिंद्रा लॉजिस्ट की तो यहाँ पर इनका रिजल्ट भी देखिए आप लोग देख सकते हैं, मुझे खास अच्छा लगा नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर गुजरात होटल की तो इन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया लेकिन रिजल्ट देखते हैं तो 51% तो टोटल इनकम में बढ़ा है, नेट प्रॉफिट में आपका 77% बढ़ा है और EPS इनका बढ़ा है 77%। तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने धड़ाम से दिना गिर गए, ये लाल लाल दिखाई दे रहा है। 6 मंथ का डाटा भी इनका वो 9 मंथ का डाटा भी इनका अच्छा है। तो कुल मिला के मित्रों यहाँ पर मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनियों के तो रिजल्ट ज़्यादा बेकार नहीं आ रहे हैं लेकिन ये जो हमारा नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है ना तो इसके वहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं उन कंपनियों के। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि अभी क्या कहते हैं जो बार वगैरह चल रहा है ना, जो आपका युद्ध चल रहा है रसिया एंड यूक्रेन का और ये कोरोना वोरोना, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी नीचे जा रही है। टेंशन ना लें, मस्त रहें, एक दिन मार्केट ऊपर आएगी और मार्केट 20,000 पे भी जाएगी, 50,000 पे जाएगी, 1,00,000 पे भी जाएगी, हमारा निफ्टी 1,00,000 तक भी जाएगा ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।